जय गुरु। कातर प्रार्थना। अनुकूल चंद्र ठाकुर कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद पावना में प्रैक्टिस करने लगे। एक बार पावना में चारों ओर भयानक हैजा का प्रकोप फैला है। बीमारी के डर से चारों तरफ आतंक फैल गया। बीमारी से लोगों की मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। डॉक्टरों ने भय के मारे बाहर जाना बंद कर दिया। मनमनी देवी भी आशंकित हो गई। ठाकुर जी को बाहर जाकर रोगी देखना बंद करा दिए। इसी समय दूर ग्राम के कई आदमी अनुकूल ठाकुर जी के द्वार पर पहुँचे। सभी लोग रोगियों के इलाज के लिए माता मनमोहिनी देवी से ठाकुर जी को अपने गांव ले जाने के लिए कातर प्रार्थना कर रहे थे। आवाज़ सुनकर ठाकुर जी बाहर निकल आए। माँ के मुख से हाँ या ना कुछ भी नहीं निकला। उनकी द्विधापूर्ण अवस्था देखकर ठाकुर जी विचलित हो गए और बोले, माँ मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसी विपदा में ना जाने डॉक्टरी धर्म के अनुसार पाप है, उनकी वाणी में दृढ़ता थी। माँ सिर्फ दवा भेज देने का कह रही थी। इस महामारी में बाहर जाने देने की तैयार नहीं थी। इसी बीच ठाकुर जी के पिता श्री शिवचंद्र जी बाहर निकल आए। पुत्र के मुखमंडल पर दृढ़ता का चिन्ह देखकर उन्होंने एक बीच का मार्ग निकालते हुए बोले, तुम रोगी देखने जा सकते हो, किंतु दो बातें माननी होगी। प्रथम यह कि बाहर कुछ भी ना खाओगे और द्वितीय यह कि घर जल्दी लौट आना होगा। ठाकुर जी शर्त मानकर दवा का बक्सा लेकर निकल पड़ते। गांव पहुंचते ही सैकड़ों लोग उनको घेर लेते, औषधि देते, दिलाते। संध्या में फुर्सत मिलती। माँ इधर बेचैन होकर आने की राह देखती रहती थी। घर पहुंचते पहुंचते अधिकतर रात हो जाता। इस तरह से वे लोगों की सेवा करके महामारी के प्रकोप से बहुत लोगों की जान बचाए थे। उनके हाथों से कभी कोई रोगी नहीं मरा था। इस तरह से दवाई देते थे कि कई खुराक के सेवन के पश्चात ही रोगी आरोग्य हो उठता था। चिकित्सा विद्या में उन्हें इस तरह विशाल विद्वत्ति कैसे प्राप्त हुई पूछने पर उन्हें कहा था, मनुष्य किसी विषय को लेकर जब उसी में सिंसियरली एंगेज्ड रहता है और उसे अप्लाई करता है, तब कहीं जाकर उसमें एक्सपीरियंस होता है, कॉमन सेंस ग्रो हो जाता है और अंत में वही इंस्टिंक्ट की तरह हो जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और एक आलोचना है, भक्त की प्रबल इच्छा। श्री हरिचरण मजुमदार फरीदपुर जिला बांग्लादेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। वे श्री ठाकुर का दर्शन एवं भोग के लिए कुछ मिठाई लेकर पावना जा रहे थे। कुष्टिया स्टेशन में उतरकर कुछ और गुरु भाइयों के साथ द्रुत गति से पावन आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। उनकी एकांत इच्छा थी कि उनके द्वारा लाया हुआ मिठाई श्री ठाकुर दोपहर भोग में ग्रहण करें। इधर 11 बजे श्री ठाकुर के स्नान का आयोजन किया गया। श्री ठाकुर बोले, आज स्नान देर से करूँगा, अभी स्नान करने से इस बेला मिठाई खाना संभव नहीं होगा। वो कहकर स्नान करने में थोड़ा विलम्ब किए। कुछ ही समय बाद हरिचरणदा मिठाई बैग रहा सामग्री श्री ठाकुर के चरणों में लेकर उपस्थित हुए। श्री ठाकुर
उनको देखकर मुस्कुराते हुए पूछे, हरिचरण मेरे लिए मिठाई लाए हो? अच्छा ही किए हो, स्नान करके तुम्हारे द्वारा लाया मिठाई खाने के बाद ही चावल खाऊंगा। जय गुरु।